बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन करम, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये है धोबी घाट। और धोबी घाट की हिस्ट्री ये है कि ये भाई हमारे बता रहे हैं कि कम से कम 600 से 700 साल पुराना ये काम है। लेकिन अब ये कि इस काम के ऊपर भी जवाल आया हुआ है। एक तरफ तो ये ब्रिज बन गई लियारी एक्सप्रेस वे, तो जगह इन्होंने काफ़ी महदूद कर दी है। अब पानी वगैरह का भी इनके पास काफ़ी मसाइल वगैरह चल रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये हमारे मतलब कल्चर का भी हिस्सा है, एक हिस्ट्री है। इनको मैं समझता हूँ कि कुछ सेफ़ पैकेज इनको दिया जाए, इनके लिए कोई फैसिलिटी दी जाए, तो एक कल्चर जो वो कल्चर हमारा ख़त्म ना हो। बाकी हमारे भाई एक बैठे हुए हैं, ज़रा मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ क्या मसाइल इनके साथ चल रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? गफ्फार। गफ्फार भाई, आप ज़रा जगह के बारे में और जो मसाइल आप लोगों के साथ चल रहे हैं और कब से ये काम चल रहा है ये ज़रा पूरी डिटेल में बताएं। ये पाकिस्तान बनने से पहले से जी, और यहाँ जो है अब जगह दिनों दिन कम होती जा रही है। जी जी बिल्कुल। पानी वानी हमारे पास कुछ भी नहीं है अब। ठीक। अब जो है आगे हम जो है मजबूरी में काम करते हैं, मशीनों पर काम करके ला के यहाँ कपड़े सुखाते हैं। जो हम परेशानी है यहाँ बहुत, बस अल्लाह पाक आप लोगों की परेशानियाँ दूर करे पाक परवरदगार। तो ये कपड़े आप लोग मतलब पूरे कराची से कलेक्ट करके या सिर्फ लियारी या दूसरी हर जगह? अच्छा, यहाँ ये क्लिप्टन, डिफेंस, लालू खेत, नाजमाबाद, करीमाबाद, पूरे कराची से। हाँ, जेल रोड, धोरा जी, हर जगह आदमी जाते हैं, अपना अपना काम लेके आते हैं। तो ये मतलब ये काम जो सिर्फ पूरे कराची के अंदर मतलब सिर्फ इसी जगह पे और भी कहीं है? इधर सदर में जट लेने ना, उधर भी धोबी घाट है। अच्छा, वहाँ भी है। हाँ, तो मतलब पूरे कराची में कितने धोबी घाट होंगे? ये मैं कह एक तो जट लेन वाला है, जट लेन में है, बाकी दूसरी जगह मशीनें लगी हुई है, दस्तागीर है, गुलबर्ग है, नई कराची है। घाट तो मतलब नहीं, नहीं, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ घाट की। घाट, घाट, जी घाट, तो ये दो कहलाते हैं, जट लेन वाला जी जी, धोबी घाट और एक ये असल धोबी घाट ही है। ठीक है, ये तो सर आपका नाम? पुराना है। आपका नाम? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील, आप जरा जगह के बारे में बताएं कि मतलब कितने, क्योंकि आपको वसी तजर्बा है इस चीज़ का। नहीं, इतना तजर्बा नहीं है भाई, ये सुनते हुआ आ रहा बड़ों से जी। तो वही कि जब पाकिस्तान बना था हम धोबी को देख के इधर ही रह रहे थे। ठीक। हाँ, इधर ही खिचर भाई, इधर ही अपने बच्चों का दाल दलिया अल्लाह ताला देगा, चलता रहेगा परवरदिगार। तो आपके जो बाप दादा थे या जो आप लोग के पेरेंट्स थे वो कितने टाइम से मतलब वो बता रहे थे कि ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पे जब पाकिस्तान बना जब से ही लगे हुए यहीं पर ही। ठीक। जब से पहले तो इंडिया में था ना हम। जी जी। वहाँ से हिजरत करके इधर आए तो यहाँ ये काम चालू था। चालू था यहाँ पे पहले से। मैंने बताया ना आपको, सुनते कच्ची बताते हैं जी, ये सदियों साल पुराना, 600-700 साल पुराना धोबी घाट है ये। तो आप लोग कोई गवर्नमेंट को कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि ये, क्योंकि एक हमारी हिस्ट्री भी हमारी पहचान भी है, तो क्या गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ता जिंदगी ये काम चलता रहे? ये बताएं, उनकी मेहरबानी होगी ये जगह ना उठाएं तो। जी, बस यही गुजारिश है उनसे। ये बस भाई मेरे के मैं भी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि मज़ीद इनको प्रोटेक्शन दी जाए, बल्कि जगह और इनको वसी करके दी जाए और पानी का इंतज़ाम भी इनको करके दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इनके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हाथ का तो वक्त नहीं है कोई मशीन वगैरह तक इलेक्ट्रिसिटी पे ये चला सकें। तो बाकी मैं इन अपने भाइयों से बात करता हूँ कि ये मतलब कपड़े अगर आप लोगों को आज कोई डिलीवरी दे जाता है तो कितने दिनों में आप लोग उसको दे देते हो? 8 दिन में या 10 दिन में? 8-10 दिन में जी। तो यहाँ पर जब आप लोग कपड़े वगैरह सुखाते हो तो कोई चोरी चकारी का खतरा तो नहीं? हाँ, चोरी का खतरा है, बहुत है, बहुत है। इधर कपड़ा रखने का धर्म ही नहीं है, तो अपने काम करो और ले जाओ। ले जाओ जी। तो किस तरीके से अगर आप लोग छोड़ के जाते हो तो कोई सेफ्टी वगैरह है? नहीं, सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं। तो ये अभी ज़रा आप मुझे वजह से बता सकते हो कि चीज़ रिक्शा था हमारे भाई का? जी जी। यहाँ ऊपर खड़ा हुआ था, यहाँ से चोरी हो गया। तो अगर चीज़ रिक्शा ही अगर चोरी हो गया तो फिर कपड़े तो मैं समझता हूँ कि उठाना बिल्कुल ईजी है। तो आप दो ताले लगे हुए तोड़ के लिए? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि इस वक्त इस धोबी घाट के अंदर कितने लोग इस काम से जुड़े हुए हैं जिनका रोज़गार चल रहा है? 400-500 एक आदमी है। 400-500 माशाल्लाह, 400-500 फैमिलियाँ हो गई? फैमिलियाँ हो गया।
ठीक है, बस देखें इन्होंने काफ़ी वजाहत के साथ बताया कि 400-500 लोग इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी भी जुड़े हैं तो 400-500 फैमिलियाँ। तो ज़रा मैं कैमरा मैन से बता सकूँ कि ये पूरा ज़रा ये लगी हुई थी सब मशीनें तोड़ दी गवर्नमेंट ने। अच्छा तोड़ गए भाई ये सब बना जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मतलब ये जगह मशीनें धुलाई की लगी हुई थी जी जी तोड़ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये जैसे हमारी वीडियो जाएगी कुछ यूट्यूब पर और भी आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह, और जाए बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, अल्लाह पाक की मेहरबानी होनी चाहिए जी। मुराद अली शाह को चाहिए हम गरीबों का थोड़ा ख्याल करें भाई, तुम ही हो जो ख्याल करोगे बाबा। बस मुराद अली शाह साहब बिलावल भुट्टो साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 400-500 फैमिलियाँ हैं, अगर ये जगह इनसे ले ली गई तो 400 फैमिलियाँ जो हैं वो रोड पे आ जाएगी, तो बड़ा मेहरबानी। कोई और काम जानते नहीं जी, बिल्कुल नस्ल दर नस्ल और हमारे हिस्ट्री में ये मतलब शुमार होता है, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैं दोबारा भी रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल साहब से और मुराद अली शाह साहब से को मेहरबानी करके इनको यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि जो ब्रिज बनी थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, ट्रैफिक भी उस पर जारी है, तो ये जगह ज़रा इनको सेफ करके दी जाए, तो मैं समझता हूँ ये और इनके बच्चे आप लोग के लिए काफ़ी दुआएं करेंगे। और बाकी देखें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं, जहाँ से दीवार टूटी हुई है तो यहाँ पर ये मशीनें वगैरह पड़ी हुई थी, वो मशीन जी जी बिजली सब थी, गैस भी था जी, सब तोड़ दिया गवर्नमेंट ने आएंगे ना। नहीं अल्लाह पाक आप लोग के हक में बेहतर करेगा, पाक परवरदिगार लगी हुई थी सर जी जी, उधर 7-8 जगह मशीनें लगी हुई थी सब तोड़ दी, तो नहीं अल्लाह आप लोग के लिए बेहतर करेगा पाक परवरदिगार। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों अपने भाइयों का कि काफ़ी आप लोग ने कोऑपरेट किया, काफ़ी वजह से मुझे बताया कि अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे पाक परवरदिगार, अल्लाह सबको आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, चैनल मेरा देखते रहें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।